हेलो दोस्तों, हमारी एम टू एम टेक टू वीजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एंड गेट के बारे में, तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको और गेट के बारे में। तो और गेट वो बेसिक गेट है, बेसिक गेट है हमारा और गेट। तो और गेट का सिंपल कुछ ऐसा होता है, देख लीजिए। ए एंड बी इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है। ए प्लस बी बरा डिवाइड बाय वाई हमारा आउटपुट है। इसको ये हमारा बुलियन एक्सप्रेस से हम ए प्लस बी बराबर वाई बोलते हैं इसको। इसका सिंबल कुछ ऐसी तरह होता है, देख लीजिए, हमारा और गेट का सिंबल है। और ये और गेट की आईसी है 7432, वो 14 पिन की आईसी होती है। चलो अब देखेंगे हम इसके पहले थियरी के बारे में। इसके मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके ब्रेडबोर्ड पे, और इसके बताऊंगा आपका इसका एप्लीकेशन का इंडस्ट्री में कहाँ पे वो और गेट का यूज होता है। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे एंड और गेट के बारे में। तो और गेट में ये हमारा सत्यता सारणी से हमारा ये पूरा ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल में पहले हम देखेंगे ए बी हमारा इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट है। इसको ए प्लस बी बराबर वाई होता है। तो ए इनपुट फर्स्ट वन है, बी इनपुट वन, तो दोनों हम ए बी में वन दिया है, तो आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, वन मिलना चाहिए। दूसरा में जीरो, ए में जीरो इनपुट है, बी में भी जीरो इनपुट है, तो आउटपुट हमको जीरो मिलेगा। ए में जीरो है, बी में वन है, तो आउटपुट हमको वन मिलेगा। बी में वन है और बी में जीरो है, ए में वन है, तो आउटपुट हमको वन मिलेगा। ये और कहते हैं ऐसा टू टेबल पता चलता है कि किसी भी ए एंड बी किसी दोनों में से कोई भी इनपुट वन होगा तो आउटपुट हमारा वन आएगा। किसी भी दोनों इनपुट में से किसी भी एक इनपुट वन, वन बोले तो हाई, हाई बोले तो इनपुट वन बोलता है, तो वन होगा किसी में एक में तो आउटपुट हमारा वन आएगा। किसी में देख ले, दोनों इनपुट वन है तो आउटपुट वन आ गया। दोनों इनपुट जीरो जीरो है तो आउटपुट हमारा जीरो मिलेगा। यहाँ पे ए जीरो है, बी वन है, तो आउटपुट हमारा वन मिलेगा। ए में वन है, बी में जीरो है, तो आउटपुट हमारा वन मिलेगा। तो हम अभी प्रैक्टिकल करके आपको बताऊँगा ब्रेडबोर्ड पे। ये हमारा और गेट की एक आईसी है। ये और गेट की आईसी में 74LS32 है, जो 14 पिन की है। जो ये अपना ये नॉच दिखाई दे पड़ रहा है, इससे नीचे ने बाग से एक नंबर गिना जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पिन की आईसी है। इसमें जो 7 नंबर पिन है वो हमारी ग्राउंड होगी और 14 नंबर पिन प्लस होगी। तो VCC 5 वोल्ट प्लस 14 नंबर पिन और ग्राउंड 7 नंबर पिन। इसको हम पहले बताएंगे, ये अपना वो सर्किट डायग्राम है जिससे ये आईसी का डायग्राम है। ये आईसी में चार गेट यूज होते हैं, जैसे ये हमारा वन है, ये टू, ये थ्री और ये फोर। फोर ये चार हमारा एक आईसी में चार गेट का यूज होता है। जैसे वन टू हमारा इनपुट है, थर्ड नंबर हमारा आउटपुट है। इस पर 4 5 हमारा इनपुट है, 6 नंबर हमारा आउटपुट है, 7 नंबर हमारी VCC है और 9 10 हमारी इनपुट है, 8 नंबर हमारी आउटपुट है। इसमें 12 13 हमारी इनपुट है, 11 पिन आउटपुट है। ये 14 नंबर VCC है, 5 वोल्ट ये हमारी सप्लाई पिन है, 14 नंबर सप्लाई पिन प्लस और 7 नंबर हमारी ग्राउंड है। तो ये हमने देख लिया आपको और गेट की आईसी का इंटरनल सर्किट डायग्राम। इसमें 4 गेट का यूज होता है और आउटपुट 1 2 3 4 आउटपुट ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम पहले ये गेट का हम प्रैक्टिकल करेंगे ब्रेडबोर्ड पे। तो चलो देखते हैं पहले प्रैक्टिकल में। ये ऐसे हम यहाँ पे पहले लगाएंगे, ये ऐसे हम यहाँ पे माउंट कर दिए और गेट की 74LS32। और हमें पहले इसका बैटरी का सॉकेट लगाएंगे। तो ये हमारा प्लस टर्मिनल प्लस में लगाएंगे, माइनस टर्मिनल यहाँ पे माइनस में लगाएंगे। ये लगा दिया दोनों टर्मिनल प्लस माइनस। और अभी आईसी को हम सप्लाई देंगे, आईसी 14 नंबर पिन हमारी प्लस है, तो 14 नंबर पिन हमारी प्लस में लगाएंगे। ये हमें प्लस लगा दिया और ग्राउंड दे देंगे 7 नंबर पिन पे। सेवन नंबर पे हमें ग्राउंड दे दिया,
ये हमारा प्लस दिया, प्लस और माइनस सप्लाई दे दिया। और थर्ड नंबर पिन हमारे आउटपुट पे क्या लगाएंगे, 100 ओम्स का ये रजिस्टर लगाएंगे, रजिस्टर थ्रू हम आउटपुट लेंगे। ये थर्ड नंबर पिन पे लगा दिया हमने रजिस्टर, ये रजिस्टर लगा दिया, रजिस्टर थ्रू हम यहाँ पे एलईडी लगाएंगे। ये एलईडी का जो बड़ा वाला लीड है वो प्लस है, तो यहाँ पे रजिस्टर थ्रू लगेगा, और छोटी लीड वाला माइनस है वो ग्राउंड में जाएगा। तो बड़ा लीड वाला हम प्लस में लगाएंगे रजिस्टर से, छोटे लीड माइनस है, माइनस हम लगाएंगे, ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड लगा देंगे एलईडी का, ये लगा दिया। अब हम दोनों इनपुट देना है ए एंड बी, तो ये दे दिया हमने पहले वन इनपुट, सेकंड इनपुट ए, हमारा ए है, ये बी है। ये वन किसे गिनेगा, ये सप्लाई में देंगे प्लस तो वन होगा, बोले तो हाई, वो माइनस वाला है वो जीरो बोलेंगे हम। तो पहले इसको हम पहले वन वन दोनों में वन वन देंगे, तो पहले ए नंबर पे वन बोले तो यहाँ पे प्लस सप्लाई हाई, ये बी वाला वो भी हाई लगाएंगे, तो यहाँ पे दोनों में मैंने दे दिया वन वन सप्लाई। अभी इसको हम लगाएंगे बैटरी का सॉकेट लगाएंगे, सॉकेट के पास ये हमारा 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया। यहाँ पे मैंने दोनों में वन वन दे दिया, जैसे ए में वन दिया, बी में भी वन दिया, तो ए हमारे ए है इसमें वन दिया, ए भी बी है बी इसमें भी हमने वन दे दिया, तो दोनों वन दिए तो आउटपुट हमारा यहाँ पे वन आया। अब दोनों में जीरो जीरो देंगे हम, तो क्या आता है आउटपुट, दोनों में हमको इसके ग्राउंड में लगा देंगे, इसको भी ग्राउंड में लगा देंगे, तो इसको भी हमने ग्राउंड लगा दिया, इसको भी हमने ग्राउंड में जीरो जीरो, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे जीरो ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा जीरो हुआ। थर्ड रो लेंगे हम 0 1, तो पहले ए में हम लेंगे 0, तो ये हमारा 0 है, बी हमारा 1 है, तो इसको हम कैसे 1 करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे लगा देंगे, देख लिया 0, ए में हम 0 दिया, बी में हम 1 दिया, तो आउटपुट हमारा 1 हो रहा है। और ये टू टेबल देखें लास्ट वाला 1 0, तो ए भी 1 हमारा है, ए 1 है, बी 0 है, तो बी हमारा 0 है, ए हमारा हम 1 देंगे, तो आउटपुट हमारा 1 दे दिया। तो इस प्रैक्टिकल से कंक्लूजन में आपको पता चलेगा कि किसी भी ए एंड बी दोनों इनपुट में से किसी भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 मिलेगा, लेकिन दोनों में से किसी भी इनपुट 1 नहीं देंगे तो आउटपुट हमारा 0 देंगे। किसी दोनों 1 होगा तो भी आउटपुट हमको 1 मिलेगा, दोनों 0 होगा तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा, दोनों में से किसी एक में आउटपुट 1 होगा आउटपुट हमको 1 मिलेगा। तो इस प्रैक्टिकल से आपको पता चल गया होगा और गेट का ट्रुथ टेबल हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। तो अब मैं बताऊंगा आपको इसकी एप्लीकेशन के बारे, जो इंडस्ट्री में यूज होता है, कई सिक्योरिटी में भी यूज होता है, तो अभी एप्लीकेशन में बताऊंगा आपको। तो मैं अभी आपको एप्लीकेशन बताता हूँ। तो एप्लीकेशन में आपको ऐसा बड़ा एक रूम है, इसमें दो भाग डिवाइड हो गए हैं, इसमें यहाँ पे एक मोशन सेंसर लगा है और एक यहाँ पे मोशन सेंसर, यहाँ पे मोशन सेंसर और यहाँ पे एक मोशन सेंसर लगा है, जैसा टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे मोशन सेंसर दोनों लगा दिया है। यहाँ पे हमने एक लाइट लगाई है, लाइट यहाँ पे लाइट लगाई हुई है, तो यहाँ से ये हमारा सेंसर 1 है और सेकंड सेंसर है हमारा, ये दोनों हमारा सेंसर है, दोनों सेंसर है, तो दोनों सेंसर में ये दोनों सेंसर है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ओर गेट लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया हमने ओर गेट, ये हमारा ए है इनपुट, ये बी है हमारा इनपुट और ये हमारा वाई है। ये आउटपुट कहाँ पे देंगे हम, इसको ट्यूब लाइट के अंदर, ये लाइट लगाइए, लाइट के अंदर ऐसे जाएगा अपना सेंसर के, ये लाइट है। तो अभी शुद्ध यहाँ से कोई अंदर गया होगा किसी भी, तो क्या यहाँ पे दो मोशन सेंसर लगाया है, जैसे इस कमरे में यहाँ से दोनों यहाँ पे कोई खड़ा होगा बंदा, तो यहाँ से ये सेंसर एक्टिवेट होगा, ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, तो क्या होगा, तो समझिए यहाँ से कोई एंटर हुआ, ये पूरा एक ही एरिया है, यहाँ से कोई एंटर हुआ तो ये सेंसर एक्टिवेट होगा, तो यह सेंसर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे नहीं गया तो यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 0 हुआ, ए सेंसर एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे 1 हुआ, तो 1 0 आउटपुट यहाँ पे
वन मिलेगा। तो देखो जीरो वन, तो जीरो और वन तो आउटपुट हमारा वन मिलेगा, तो जीरो वन तो आउटपुट हमारा वन मिलेगा, या ए लाइट ऑन होगी। और किसी तरह यहाँ पे कोई बंदा आदमी यहाँ पे खड़ा है यहाँ पे, नहीं तो ये सेंसर अपना एक्टिवेट वन होगा, ये सेंसर जीरो होगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ पे वन होगा। तो ये वन जीरो तो अपना आउटपुट वन ही मिलेगा, तो एलईडी अपनी ऑन होगी। लेकिन ये कमरे में, पूरे कमरे में कोई नहीं होगा, तो ये सेंसर डीएक्टिवेट होगा, जैसे जीरो होगा ये, और ये भी जीरो होगा, तो आउट इनपुट हम यहाँ पे जीरो देंगे, यहाँ पे जीरो देंगे, तो आउटपुट यहाँ पे हम जीरो देंगे, यहाँ पे जीरो दिया इनपुट, यहाँ पे जीरो दिया, तो आउटपुट हमारा जीरो में जीरो मिलेगा। मेंस यहाँ पे क्या होगा, एलईडी ऑन नहीं होगी, ऑफ होगी। इसके पता चल जाएगा, इस कमरे कोई भी एक आदमी इधर खड़ा है, तो इधर खड़ा है, तो आउटपुट हमारा यहाँ पे वन मिलना चाहिए, वन मिलेगा तो यहाँ पे अपनी एलईडी ऑन होगी लाइट। तो इस वीडियो आपको पता चल गया होगा कि और गेट के एप्लीकेशन के बारे में प्रैक्टिकल बता दिया और इसका थियोरी बता दिया। तो हमारे ये वीडियो गाइस अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जैसे ही हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नॉट गेट के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।